नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं मुंगा रत्न के बारे में कि इस रत्न के क्या क्या लाभ हमें जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, कि इसके ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जो व्यक्ति इसे धारण करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात, मुंगा रत्न जो है वो खान से निकलने वाला रत्न नहीं है, ये जैविक रत्न माना जाता है। जैविक रत्न का अर्थ होता है कि इसे हम समुद्र से निकालते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है, इसे हम इसीलिए कहते हैं जैविक रत्न। रासायनिक संरचना में बात करें तो हम ये है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप। ये जो रत्न है वो किस ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना जाता है? ये जो रत्न है वो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है। मंगल ग्रह का होने से दो राशियों पर इस रत्न का अधिकार रहता है, पहला मेष, दूसरा वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों के जो जातक हैं वह जातिकाएं हैं इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ये रत्न कई रंगों में पाए जाते हैं। मुंगा जो है ज़्यादातर लाल व सिंदूरी रंग का पाया जाता है। इसके अलावा इसके शेड्स में आपको थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। कहीं बार ये ज़्यादा लाल देखने को मिल सकता है, कभी आपको थोड़ा डल रेड देखने को मिल सकता है जिसमें थोड़ी कम पॉलिश भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको ये सफ़ेद रंग में देखने को मिल सकता है, प्रॉपर वाइट कलर का देखने को मिल सकता है, और वाइट कलर में भी आपको हल्का लालीपना भी मुंगे के अंदर में देखने को मिल सकता है। इसको धारण करने के लिए कौन सी धातु इम्पॉर्टेंट होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट धातु इसके लिए गोल्ड है। गोल्ड के अलावा भी इसे हम तांबे में धारण कर सकते हैं, अष्ट धातु में धारण कर सकते हैं, वो इसे चांदी में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन इसका निर्णय जो है वो जन्म पत्रिका के आधार पर ही देखना चाहिए कि कौन सा धातु मुंगे के साथ में व्यक्ति के लिए सूटेबल रहेगा। डायरेक्ट हम उसके कंडक्टर को देख के कि मुंगा है तो इसे तांबे में ही धारण करना चाहिए, मुंगा है तो इसे हम अष्ट धातु में ही धारण करें, ऐसा नियम नहीं लगा सकते हैं खाली मुंगे के आधार पर। ये पूरा का पूरा निर्भर करता है किसके ऊपर? व्यक्ति की जन्म पत्रिका के ऊपर। कई बार मंगल के साथ हमें किसी और ग्रह को भी यहाँ बढ़ावा देना हो जिसमें धातु का उपयोग ले रहे हो, चाहे हम वहाँ पे किसका ले रहे हैं, हम गोल्ड का ले रहे हैं, हम सिल्वर का ले रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपर का ले रहे हैं, यहाँ पर वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर, आपका जो कुंडली चार्ट है उसके ऊपर। इसे धारण करने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, क्यों ये रत्न व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, इसे भी समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम विज्ञान समझते हैं तो हम रत्नों के पीछे कार्य करने के तरीकों को भी समझेंगे ज़रूर, क्योंकि रत्न जो भी होते हैं, जितने भी प्रकार के रत्न हैं, वो ऊर्जा पे काम करते हैं, प्रकृति से जो रश्मियाँ प्राप्त होती हैं उनसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये रत्न जो है वो हमें क्या क्या प्रदान करता है। सबसे पहला, अगर जन्म पत्रिका के अंदर मंगल ग्रह दूषित है, आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ये रत्न आपके लिए वरदान बन जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की उपाधि लिए हुए है यहाँ पर, यानी उसे क्या माना जाता है? सेनापति माना जाता है मंगल ग्रह को। और हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में हम इसे उदाहरण स्वरूप समझें तो सेनापति हमारे लिए कौन हुआ? स्वयं के लिए, हमारा मस्तिष्क। उदाहरण मात्र समझने के लिए है तो हमारे जीवन में मंगल हमारे मस्तिष्क समान है। क्यों है? क्योंकि वो सेनापति है जिसमें लड़ने की क्षमता है। वो कहते ना, जब तक हमारा मस्तिष्क लड़ रहा है आगे बढ़ाने के लिए, तब तक हम कार्यरत हैं। सही दिशा में लेके जाएगा तो बहुत ही आगे लेके जाएगा, लेकिन अगर यह सेनापति बिगड़ गया तो बड़े से बड़ा राज्य भी विध्वंस कर देगा। ठीक उसी प्रकार ही यदि हमारा मस्तिष्क हमें गलत मार्ग पर ले जाता है तो क्या होगा? हमारा जीवन अपने आप ही यहाँ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? अपनी हरकतों के कारण हम उसे बर्बाद कर देंगे, यानी वो सारी चीज़ें करेंगे जिससे क्या हो, हम गलत मार्ग पर जाएँ। तो इसीलिए मंगल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा माना जाता है जीवन में। अब ये मंगल के दोषों का शमन करके व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है। मंगल की महादशा में भी सबसे महत्वपूर्ण ये यहाँ पर भूमिका निभाता है इसका रत्न धारण करने पर। उसके अलावा मंगल अगर दूषित है तो यहाँ पर भी अंश बल में कमज़ोर है,
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे फलों को प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों के शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, यानी यूँ कहें कि व्यक्ति इतना परेशान हो जाए कि जब भी किसी से बात करने जाए अगला व्यक्ति उसका शत्रु ही बन जाए, भले ही ले कर रहा है लेकिन क्या हो, उसका वो शत्रु बन जाए, उसकी बातों का गलत मतलब ले ले। कई बार क्या होता है, हमारे मित्र भीष हमारे शत्रु बन जाते हैं। दशा ही कुछ ऐसी चलती गई, हमारे सारे अपने हमारी बैरी बन जाते हैं, शत्रुओं में बदल जाते हैं। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें क्षति पहुंचाते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते। तो एक हो गए प्रत्यक्ष शत्रु, एक हो गए हमारे गुप्त शत्रु। इनसे हमें सबसे पहले ये लाभ दिलाने का काम करता है, शत्रुओं पर विजय ये दिलाने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं पर विजय चाहता है तो उसके लिए क्या है, मूंगा रत्न है। चाहे वो लाल मूंगा सिंदूरी रंग का धारण करता है या फिर सफ़ेद मूंगा धारण करता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा डर सताता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है, यूं कहें कि हिचकिचाते हैं बात करने में लोगों से, आता बहुत कुछ है, बहुत जानकार व्यक्ति है, लेकिन वो जानकारी किस काम की, जो अगला व्यक्ति आपकी जानकारी को सराहे नहीं, आपकी जानकारी का लोहा ना माने। तो ऐसी जानकारी किसी भी काम की नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर की जो जानकारियां हैं उसके साथ आपके कॉन्फिडेंस को मिलाकर वो आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति तो बनाता ही है, साथ में आप अपनी जानकारी से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को, आपको जो नॉलेज है उसको पहचान कर आपको आगे बढ़ाने में मदद करें और आपके साथ काम करना शुरू करें। तो ये आपके लिए रत्न नहीं है, वरदान समान है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी रत्न होते हैं वो मनुष्यों के लिए वरदान समान ही होते हैं। अब मूंगा रत्न किन राशि वालों के लिए भाग्य को जगाने का काम करता है, मेष व वृश्चिक राशि वालों के लिए, मेष व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी यहाँ पर ये काफ़ी लाभकारी रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में उन्नति करना चाहता है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनके लिए भी ये रत्न काफ़ी बेनिफिशियरी है। स्वाभिमान में वृद्धि करता है व्यक्ति के, मान सम्मान में वृद्धि करता है। ये रत्न बच्चों को पहनाना चाहिए गले के अंदर, जिन बच्चों को डर ज़्यादा लगता है उनके लिए। छोटे साइज का रत्न जो है वो बच्चों को पहनाना चाहिए, बिल्कुल छोटा, कम से कम 1 कैरेट के आसपास का छोटे बच्चों को ये रत्न जो है वो धारण कराना चाहिए। इससे आत्मबल में बच्चों की वृद्धि होती है और पढ़ने में मन भी अच्छा लगता है। यहाँ पर हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, बाकी रत्न की कितना धारण करना है वो जातक या जातिका के शरीर के वजन के अनुसार धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जमीन संबंधित काम है, ठेकेदार हैं, सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, साहसी कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का दल चलाते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, तो ये रत्न आपके लिए ही बना है, यानी आपके कार्य से आपको उन्नति दिलाने के लिए। ऐसे कार्य जो मंगल ग्रह के अधीन आते हैं उनके लिए ये रत्न बहुत ज़्यादा लाभकारी देखा जाता है। मंगल की यदि हम बात करें, अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो, किसी ऐसे ग्रह के साथ स्थित हो जिसके वजह से मंगल का प्रभाव यहाँ पर आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में भी आपके लिए मूंगा रत्न बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। भाई से नहीं बनती, भाई भाइयों के बीच में बैर है, आप रिश्ते को मधुर करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी इस रत्न को धारण किया जा सकता है। ये भी आपसी संबंधों में आपको काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। संपत्ति संबंधित कोर्ट केस चल रहा है, जीतने के इच्छुक हैं, जीतना चाहते हैं, तो मूंगा रत्न आपके लिए है। ऐसे कई सारे कारण हैं जहां पर आपको मूंगा रत्न कई सारे लाभ दिलाता है। इस रत्न के बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इस रत्न का लाभ जो है वो अलग भी देखने को मिल सकता है, वो व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अनुसार या फिर उसके जीवन में क्या समस्या चल रही है उसके अनुसार इसका जो फल है वह उस अनुसार ही यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसका वजन हम कितना लें, इसका वजन जो है वो अंशबल और व्यक्ति के वजन दोनों के आधार पर लिया जाता है कि ग्रहों का अंशबल क्या है और व्यक्ति का वजन क्या है। तो ऐसे में अगर बच्चा छोटा हो तो 1 कैरेट लगभग धारण कराना चाहिए। अगर मान के चलिए
बड़े हैं तो बड़े में आप कम से कम 4.25 कैरेट से ऊपर का रत्न ले सकते हैं और बाकी वजन पर ही निर्धारित करता है। 5, 7, 9, 11 कैरेट के भी यहाँ पर धारण कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर और व्यक्ति के वजन के ऊपर, दोनों के यहाँ पर आधार पर ही कितना आपको धारण करना है वो यहाँ पर देखा जाएगा। अब इसे पहनना कैसे है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको किस धातु में पहन सकते हैं, तो देखिए धातु निर्धारण यहाँ पर आपकी कुंडली देखने के बाद ही होगा। वैसे इसका जो कंडक्टर रहता है, यूँ कहें इसके लिए जो मेटल है वो सूटेबल है यहाँ पर गोल्ड। गोल्ड के बाद आप अल्टरनेटिव इसका तांबा ले सकते हैं, तांबे में भी इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर में भी धारण किया जा सकता है जहाँ पर ज़रूरी हो। लेकिन ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप इसे किस में धारण कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा यहाँ पर सूटेबल कंडक्टर रहेगा। तो इसे धारण किस उंगली में करना है, इसे धारण किया जाता है अनामिका उंगली में, यानी हमारे हाथ की अनामिका उंगली, यानी हमारी रिंग फिंगर हुई। अब कौन से हाथ में धारण करेंगे, इसे धारण किया जाएगा आपके वर्किंग हैंड में, ठीक है। अगर आप राइट हैंडेड है तो आप इसे राइट में धारण करेंगे, आप लेफ्ट हैंडेड है तो इसे आप लेफ्ट में धारण करेंगे, लेकिन उंगली कौन सी रहेगी आपकी, अनामिका उंगली रहेगी, चाहे आप राइट हैंडेड हैं या फिर आप लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति हैं। भाग्य को बदलने में सहायक हमेशा से रत्नों का ही रहा है कि रत्न हमारे भाग्य को तीव्र गति से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, ये रत्न मनुष्यों को लिए, यानी जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है, जो भी मनुष्य इसे धारण करता है, अब उसके लिए काम कैसे करते हैं, तो ये रत्न व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आपके आसपास की ऊर्जा को आपके अनुकूल बनाते हैं, यानी जो भी एनर्जीज हैं उसको आपके लिए पॉजिटिव करना स्टार्ट करेंगे। अब इनके काम करने की क्षमता कितनी अवधि की रहती है, तो देखिए इसे धारण करते ही इसका कार्य जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने के लिए सब्र की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति में सब्र है तो रत्न हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करेगा। अगर आप रत्न धारण करते हैं और एक दिन में बदलाव चाहते हैं तो इतना जल्दी बदलाव नहीं आता, इसे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में धारण करके भूल जाना ज़रूरी है कि आपने रत्न को धारण किया हुआ है। इसे सकारात्मक ऊर्जा बनाने का समय देना चाहिए, इसीलिए कम से कम 6 से 8 महीने आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तब तक के लिए आपको सब्र रखना ही होगा। इससे पहले ही आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे विद इन अ मंथ, लेकिन जैसा आप चाहते हैं उतना समय कम से कम आपको 6 से 8 महीने का लगेगा ही यहाँ पर लगेगा। आपके मन में अगर सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, सलाह चाहते हैं ज्योतिषीय संबंधित, या रत्न से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने, दशा माँ दशा कार्यालय जोधपुर, या फिर आप हमसे टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब बढ़ूंगी मैं आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहना है हमारे आज के सितारों का। मेष राशि, मेष राशि वालों, आज आपके मन में भावुकता अधिक रहने वाली है, जिसका सीधा संबंध जो है वो आपके परिवार में देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप कई सारे गलत निर्णय भी यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। इसीलिए सोच समझकर निर्णय ले तो ही यहाँ पर शुभ रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, अविवाहित व्यक्तियों के लिए यहाँ विवाह का प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हो सकता है। बिजनेसमैन यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में नए आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मिथुन राशि वालों की करते हैं बात। आज का दिन मिथुन राशि वालों आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जेटिक देखने को मिलेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ में संबंध यहाँ पर सामान्य रहेंगे आपके। कर्क राशि वालों की करते हैं बात। छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक रुझान बनाने वाले हैं, पूरा फोकस उनकी स्टडीज की तरफ ही उनका रहने वाला है। व्यवसाय के लिए यहाँ पर आज काफी बड़ा फैसला आपको लेना पड़ेगा, जो कि शुभ के लिए ही है। स्वास्थ्य आपका यहाँ उत्तम बना रहेगा।
सिंह राशि। माँ का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। संपत्ति की खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल बना हुआ है। नई संपत्ति में निवेश करने के लिए या नई संपत्ति खरीदने के लिए दिन यहाँ पर आपके लिए अनुकूल है। उससे संबंधित प्लानिंग करने के लिए भी आपके लिए यहाँ दिन अनुकूल है। कन्या राशि, आज मन में उत्साह बना रहेगा। अप्रत्याशित स्रोत से आपको यहाँ धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ संबंध आपके यहाँ पर मधुर बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र के प्रति आपका फोकस यहाँ पर बिगड़ सकता है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करें, पूरा अपने काम के प्रति बना के रखें तो ही लाभ रहेगा। तुला राशि वालों, आज काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रत्येक कार्य में आज यहाँ रुकावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण खिन्नता का भाव स्वयं से बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। कई संसाधनों में आपको यहाँ पर कमी भी महसूस होगी। आर्थिक मामले भी यहाँ पर काफी डिस्टर्ब देखने को मिल सकते हैं। निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है। धनुराशि वालों, आपके खर्चे आपके आय से अधिक होने वाले हैं, इसीलिए नियंत्रण खर्चों पर बनाए रखें तो ही शुभ रहेगा। घरेलू वातावरण यहाँ पर आज काफी प्रभावित देखने को मिलेगा। आर्थिक मामलों से संबंधित घर में तनाव की स्थिति या फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। मकर राशि, आज का दिन धनदायक है आपके लिए। आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। रुका हुआ धन आपको यहाँ प्राप्त होगा। मेहमानों का आना जाना आज घर में हो सकता है। कुंभ राशि वालों, धार्मिक कार्यों में यहाँ पर खर्च होगा आपका। धार्मिक कार्यों में शामिल भी यहाँ पर आप होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर उत्तम बना रहेगा। व्यापारियों के लिए कार्य की नई शुरुआत करने के लिए दिन अतिशुभ रहने वाला है। मीन राशि, निराशा का भाव यहाँ पर अधिक बना रहेगा। काम में रुकावटें भी आएंगी। परिवार वालों का भी आज सपोर्ट यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर बहस हो सकती है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।